नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम डेली शाम को 7 बजे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के साथ साथ जो अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो भी जो आपको उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। लगभग 2 दिनों से जो है काफ़ी कैंडिडेट ने गवर्नमेंट के प्रति अपना रोष प्रकट किया था कि कोविड नियमों के अनुसार जो है जो भर्ती प्रक्रिया उसको जो है करवाया जा सकता है, जो टाइपिंग्स रुकी हुई है उसको जो है करवाया जा सकता है। तो उसी प्रेशर्स के अकॉर्डिंगली जो है आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो है अपडेट्स आने शुरू हो गई हैं। तो सबसे बड़ी जो अपडेट आई है वो पोस्ट कोड 817 से संबंधित है। पोस्ट कोड 817 के ऊपर जो स्टे लगी हुई थी, जो मामला पोस्ट कोड 556 के साथ चला हुआ था वो जो है अब रिमूव हो गया है। तो जो उनकी प्रीवियस डेट थी स्किल टेस्ट की, टाइपिंग टेस्ट की, वो जो है अब रिवाइज हो गई हैं। तो जिनकी पहले टाइपिंग डेट्स 27 अगस्त को थी अब वो जो है 1 फरवरी 2022 को हो गई है। तो अपने अकॉर्डिंगली जो अपनी डेट्स आप दे सकते हैं, जिसकी 28 अगस्त को थी अब उसकी 2 फरवरी को हो गई है, जिसकी 31 अगस्त को थी उसकी 3 फरवरी को हो गई है। तो लगभग ये जो है 24 फरवरी तक जो है ये सारी टाइपिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी हम पोस्ट कोड 817 की बात करें तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो आईटी पोस्ट कोड 556 की आई है, जिसमें कुछ कैंडिडेट जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उनकी जो लिस्ट रिवाइज होनी थी रिजल्ट की, अब जो उसके ऊपर भी स्टे लग गया है। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि अगर जो पोस्ट कोड 556 का रिजल्ट रिवाइज होता है तो काफ़ी कैंडिडेट जो लो मैट से लगे थे वो जो उसमें बाहर हो जाने थे, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ से जो है इस रिजल्ट के ऊपर जो है अभी स्टे लग गई है। तो इसकी जो नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो टेंटेटिव मिली है जो कि 28 फरवरी 2022 को है। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है जिसके कारण पोस्ट कोड 556 का जो रिजल्ट है वो भी रिवाइज अब इसमें नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट अपडेट जो है एक जो रिजल्ट है उससे संबंधित आई है जो कि पोस्ट कोड 860 से संबंधित है। ये आर्टिस्ट से संबंधित पोस्ट कोड है। हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 6 टोटल पोस्ट थी और 20 कैंडिडेट जो है 1/3 और 1/4 की रेशियो से यहाँ पर डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो इनकी जो डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन है वो 28 जनवरी 2022 को जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होगी। अगर इनमें से कोई कैंडिडेट है जिनको डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन से संबंधित कुछ डाउट हैं तो आप चैनल में विजिट करें, आपको अलग से जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो अपडेट है वो जेबीटी भर्ती से संबंधित है, जिसमें बैच वाइज और जो कमीशन है वो दोनों जो है इसमें शामिल हैं। आज कुछ कैंडिडेट हैं जो माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, जिसमें उन्होंने जो उनकी भर्ती प्रक्रिया है चाहे वो कमीशन के थ्रू हो या फिर बैच वाइज के थ्रू हो उसको जो है शुरू करने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। 7 जनवरी 2022 को माननीय हाई कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जेबीटी के फेवर में जो रिव्यू पिटीशन डाला गया था उसके दौरान जो पहले माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके ऊपर स्टे लगा दी गई थी। तो साथ में जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भी शुरू उसमें कर दिया गया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जो उनके पुराने आरएमपी रूल्स है जेबीटी टीचर्स के उनके अकॉर्डिंगली जो है स्कूलों में भर्ती कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज ये जो यूनियन के उनके लीडर हैं या फिर हम बात करें जो प्रशिक्षु टीचर्स हैं वो जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं कि काफ़ी जो सीटें हैं पोस्टें हैं वो जेबीटी की अभी तक रुकी हुई हैं, जिसमें पहले जो 1225 पोस्टें हैं जिसमें बैच वाइज और कमीशन दोनों ही शामिल हैं और जो नई भर्ती प्रक्रिया होनी है जिसमें 810 पद अलग से हैं उन सभी को जो है इसमें शुरू किए जाए। लगभग 40,000 जो जेबीटी प्रशिक्षु हैं वो जो इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये सभी बातें लेकर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, जिसमें उन्होंने जो कंडीशनल अपॉइंटमेंट है उसको करने की बात यहाँ पर करी है जब तक कोर्ट से जो है ये पूरा मामला जो है समाप्त नहीं हो जाता है, जिसमें उनका जो पुराना कमीशन का रिजल्ट है उसको भी निकालने की बात कही है, साथ ही साथ जो नई रिक्रूटमेंट है उसको भी जो है इसमें करने की बात उन्होंने कही है। तो ये अपडेट जो है आज जेबीटी टीचर से संबंधित आई है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।